320 एकड़ में फैला हुआ भारत का राष्ट्रपति भवन दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को यहां शपथ लेंगी। राष्ट्रपति बनने के साथ साथ उनको तमाम सुख सुविधाएं भी मिलेंगी। अब ये क्या रहेंगी सुख सुविधाएं, इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू को हर महीने करीब 5 लाख रुपए वेतन मिलेगा। हालांकि 2017 तक राष्ट्रपति को मात्र 1.5 लाख रुपए प्रति महीने वेतन मिलता था, जो कि कुछ नौकरशाहों, विधायकों और मंत्रियों की तुलना में काफी कम था। 2017 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति महीने कर दिया गया, जिस हिसाब से द्रौपदी मुर्मू को सालाना 60 लाख रुपए सैलरी के तौर पर मिलेंगे और इस हिसाब से पूरे 5 साल के कार्यकाल में द्रौपदी मुर्मू को कुल 3 करोड़ रुपए की सैलरी दी जाएगी। ये तो हुई सिर्फ वेतन की बात, इसके अलावा तमाम सुख सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती हैं, जैसे मूल वेतन के अलावा जितने भी भत्ते हैं वो सभी भत्ते उनको मिलते हैं, जिसमें मुफ्त चिकित्सा शामिल है, उसके अलावा आवास, और कहीं पर भी अगर आपको यात्रा करनी है उसके लिए आप जा सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति आवास के जो स्टाफ, मेहमान और भोजन पानी की व्यवस्था के लिए सालाना 2.25 करोड़ रुपए का खर्च भी सरकार की तरफ से मिलता है, क्योंकि अगर बात की जाए राष्ट्रपति भवन में तो 200 लोगों का स्टाफ वहां काम करता है और राष्ट्रपति के पास 5 लोग सचिव के रूप में भी काम करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को छुट्टियां मनाने के लिए कहीं भी जाना हो तो फ्री में विदेश की टिकट, वहां पर रहना, खाना पीना, घूमना, हर तरह का खर्च जो है भारत की सरकार उसमें अदा करती है। और जो सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती हैं वे उनके जीवन साथी को भी दी जाती हैं, जो भी राष्ट्रपति बनता है। और जो भारत का राष्ट्रपति है दुनिया के किसी भी देश की यात्रा कर सकता है। इतना ही नहीं, भारत में जो है इनको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। उसके अलावा अगर बात की जाए राष्ट्रपति की सुरक्षा की, तो राष्ट्रपति के कारवां में कुल 25 हाई सेफ्टी बुलेट प्रूफ, अटैक प्रूफ गाड़ियां होती हैं। भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा 86 बॉडीगार्ड्स करते हैं, और जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हथियार होते हैं, सुरक्षा कवच होते हैं, हाई सिक्योरिटी डिवाइस होते हैं। और राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स को प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स जो है इस नाम से बुलाया जाता है। और भारत के राष्ट्रपति को मर्सिडीज बेंज दी जाती है, जो किसी भी तरह के हमले को झेलने के लिए खास रूप से डिजाइन की गई है, तैयार की गई है। और अगर बात की जाए इस राष्ट्रपति भवन की, तो 320 एकड़ में फैला हुआ राष्ट्रपति भवन, जिसमें 340 कमरे हैं। दरअसल इसे अंग्रेजी शासन के समय जो है ब्रिटिश वायसराय के लिए बनाया गया था, और इसे बनाने में कुल 17 साल का समय लगा था, और 1929 में जाकर के पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। और राष्ट्रपति भवन में 1.5 किलोमीटर का कॉरिडोर भी है। बता दें कि राष्ट्रपति भवन जो है वो दिल्ली के रायसीना हिल्स के ऊपर बनाया हुआ है, और इसमें मुगल गार्डन जो है वो इसका आकर्षण का केंद्र है। 25 जुलाई को शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू को भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का सुप्रीम कमांडर के तौर पर भी जिम्मेदारी मिल जाएगी, और इसके साथ ही देश की सरकार के सर्वोच्च नेता भी द्रौपदी मुर्मू कहलाएंगे। इनके पास क्या क्या शक्ति होती है आपको बताते हैं। राष्ट्रपति के पास, इनके पास जो है जो अधिकार और जो शक्तियों की बात की जाती है प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन राष्ट्रपति पद का महत्व क्या है, ऐसी जो है लोगों के बीच में ऐसी भ्रांतियां फैली रहती हैं, ये आपको बताते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होने के साथ ही इनके पास इतनी शक्तियां होती हैं कि वो देश में कुछ भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए अगर कोई दोषी ठहराया गया व्यक्ति है उसकी सजा को माफ करना हो, निलंबित करना हो या कम करना हो, या फिर फांसी की सजा पाए दोषी का कोई भी फैसला हो, उसमें जो है राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं। भारत के चीफ जस्टिस, राज्यों के हाई कोर्ट के जो जज रहते हैं, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त और राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और उसके अलावा बात की जाए अगर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की किसी भी स्थिति में देश में जो है इमरजेंसी की, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का वहां इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं, जैसा अभी राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है। अनुच्छेद 360 के तहत भारत या किसी और भारत के किसी भी राज्य किसी क्षेत्र में जो है वित्तीय संकट अगर चल रहा हो उसमें भी आपात की घोषणा की जा सकती है। और अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या फिर जो संधियां होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही
होती हैं और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई बिल जो है उसका कानून बनता है। राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को कुछ समय के लिए रोक भी कर सकते हैं या फिर उसको पुनर्विचार के लिए दोबारा वापस भेज सकते हैं, और अगर संसद से दूसरी बार भी बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर जो है हस्ताक्षर करना पड़ता है। और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद जो की सलाह पर वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वो पुनर्विचार भी कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए, हालांकि अभी ये राष्ट्रपति की तमाम सुविधाएं जो है रामनाथ कोविंद के पास हैं, अभी वर्तमान में वो देश के राष्ट्रपति हैं और रिटायर होने के बाद उनको भी सरकार से तमाम सुख सुविधाएं मिलेंगी, जैसे उन्हें 1.5 लाख रुपया पेंशन दी जाएगी। 2008 से पहले ये पेंशन मात्र 50,000 रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया। इसके अलावा उनके पास प्राइवेट सेक्रेटरी रहेंगे, एक अतिरिक्त प्राइवेट सेक्रेटरी रहेंगे, पर्सनल असिस्टेंट, मेडिकल अटेंडेंट और मुफ्त इलाज की सुविधा उनको सरकार की तरफ से दी जाएगी। और एक व्यक्ति के साथ वो किसी भी हवाई यात्रा में, ट्रेन यात्रा में उनका जो सफ़र है वो मुफ्त रहेगा सरकार की तरफ से। वहीं अगर बात की जाए द्रौपदी मुर्मू की, तो इनका राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र जो है बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। उसमें राजनीति से लेकर के निजी जिंदगी में मुर्मू ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। 20 जून 1958 को उड़ीसा के एक आदिवासी परिवार में जन्मी मुर्मू अब 25 जुलाई को राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी और 1997 से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। रायरंगपुर में जिला बोर्ड की पार्षद चुनकर के वो आई थी भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने अपने करियर की, राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। और वहीं उनके जोश को देखते हुए पार्टी की तरफ से जल्द ही उनको अनुसूचित जनजाति मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। और बात की जाए उड़ीसा में 2000 के बाद बीजू जनता दल के साथ जिस तरह से भाजपा गठबंधन में है, उसके बाद इनको कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद 2002 से 2004 तक द्रौपदी मुर्मू ने फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पद संभाला था। और साथ में ही ओडिशा विधानसभा की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है 2007 में। और अगर इनके निजी जीवन की बात की जाए तो काफी बुरा दौर भी इन्होंने देखा है। साल 2009 से 2015 के बीच में मात्र 6 साल के अंदर द्रौपदी मुर्मू ने अपने पति, दोनों बेटे, अपने भाई को खोया। दरअसल मुर्मू के 3 बच्चे हैं और जिनमें से 2 की मौत इसी पीरियड के दौरान हुई। 2009 में बेटे की मौत के बाद 3 साल बाद सड़क दुर्घटना में जो है दूसरे बेटे की मौत हुई और उसके बाद उन्होंने उससे पहले उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। और इन्हीं सब व्यक्तिगत लड़ाई में से लड़ते हुए द्रौपदी मुर्मू ने हार नहीं मानी, आगे बढ़ती गई और 2015 में उन्होंने इतिहास रच दिया जब झारखंड राज्य में पहली महिला राज्यपाल के नाते वो नियुक्त होकर के आई, एक इतिहास बना। और अब दुनिया के सामने एक और इतिहास बना है आजादी के अमृत महोत्सव के समय, जब पहली बार देश की कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे। और इतना ही नहीं, और भी तमाम रिकॉर्ड इस जीत के बाद उन्होंने तोड़े हैं। वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनकर के आई हैं इंडिया की, मतलब सबसे कम उम्र में अगर कोई इस देश में राष्ट्रपति बनकर के आया है तो उसका रिकॉर्ड भी अब द्रौपदी मुर्मू के नाम दर्ज है। हालांकि अभी 25 जुलाई को शपथ लेने के बाद आधिकारिक तौर पर उनके नाम के साथ राष्ट्रपति नाम जुड़ जाएगा अगले 5 सालों के लिए। पिछले एक लंबे अरसे से ऐसी प्रथा चलती आई है कि 25 जुलाई को ही देश के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। और अपने इस चुनाव में तमाम विपक्षी दलों को साथ में लेकर के जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू ने एक मिसाल कायम की है भारत की राजनीति में, कि किस तरह दल का ना होने के बावजूद कैसे लोगों को, कैसे विपक्षी दलों को साथ में लिया जाए और 27 दलों के समर्थन के साथ उनको भारी मात्रा में बहुमत मिला और अब चुन करके आई वो देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में। और जल्द ही हम उनको देखेंगे देश के महामहिम के पद पर, देश के सर्वोच्च स्थान पर, देश के पहले फर्स्ट सिटीजन के रूप में, जब वो 25 जुलाई को शपथ लेंगी राष्ट्रपति भवन में और उनको शपथ दिलाएंगे देश के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, जो भी हमने जानकारी दी आपको, आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और बने रहिए आप हमारे साथ, हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।